स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो गए, सभी भैया ना गुड मॉर्निंग। और भाई आज जो कि अपने 50-47 ट्रैक्टर में हमने टर्बो लगाई थी उसकी पावर चेक करने के लिए खेत में जाना है, और गन्ने की ट्राली है उसमें निकाल कर देखेंगे। और मतलब पहला मैं एक वीडियो उसमें क्लिप ऐड करूँगा, और आज वाली भी क्लिप हम ऐड करेंगे उसमें जो भी मतलब रिजल्ट रहेगा। एक मतलब खेत में चढ़ाई है, उस चढ़ाई पर नॉर्मल ट्रैक्टर मतलब बिना कोई मॉडिफाई किया हुआ ट्रैक्टर एक ट्राली ने चढ़ा नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि छोटे गियर में चलता है, लोग पहले दूसरे तीसरे गियर में चलता है तो चढ़ा नहीं पाता, पहले ये भी नहीं चढ़ा पाता था। और अब देखें भी टर्बो लगने के बाद ये चढ़ा पाएगा या नहीं चढ़ा पाएगा उस ट्राली को। तो फटाफट तय खेत में चलते हैं और दोनों क्लिप आपसे भी तो दिखाऊंगे, जो आज वाली जो रिस्पॉन्स रहा वो भी दिखाऊंगे, और जो पहला इसका रिस्पॉन्स था पहला कितनी पावर लगा था वो भी उसका पता लग जाए हमने इसमें टर्बो लगाने का कितना हमने बेनिफिट मिला है। और बाकी पिछली वीडियो में आपसे भी ने कमेंट करके बताई दिया था भाई कितना बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स है सुमित वाले ट्रैक्टर का, जो मतलब बात आपसे भी लोगों ने कमेंट में बताया, तो उसकी चीज़ के लिए वैसे भी धन्यवाद। बाकी फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं सीधा खेत में चल के। रोक ले, मुंह भूल गया था पीते के कदम, पीते के चढ़ी की के रिस्पॉन्स है भाई के था भाई बोल रहे यो बालक मार दिया तेने खुद ही मर गया होना तू के था यू दूर जा
कंजरी का क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा अच्छा डपचिंग डपचिंग आए चंडिया में आग का पिक्चर जीने तो इसके बने भी तू तो बोल भी उल्टा है देख लिए सलोम ले आवा सलोम सलो बोले आवा सलो बोले आओ जोंडियर रे जोंडियर सलो बोले आवा ओए तब आके दिखा दे एक बार टर्बो एक्टिवेट ला भाई टर्बो को रिवर्क कर रहे थे चीता पूरी टर्बो बोल रही सुमित परमानेंट फिक्स करते हैं पांच टका फिक्स राजी है पूरा राजी हो रहा क्या कह रहा बंद के बंद के अड़का सा देख ले दिल ने तेरी फिर क्यों बना दो फूका तेरी कौन सा हाँ तो भी नहीं बन सलम लिया अच्छा तेरी ये तो तेरी सर की जमीन पर है तो हम जी फाइनली घर पर आ गए और आप सभी लोगों ने देख लिया भाई जो अपनी यहाँ टर्बो है ठीक है फिटिंग भी देखो और तो लीक हो गया तो लीकेज कहीं तक भी नहीं है और वर्क भी प्रॉपर कर रही बढ़िया जोर लगा रहा पहले ट्रैक्टर लो के दूसरे गियर में चलता था और जब तो इसमें 13 के टायर थे अगर 14 के टायर इसमें उस टाइम पर पहला होते तो ये लोग पहले गियर में चलता दूसरा शायद पकड़ लेता बस थोड़ा बहुत क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है गियर बॉक्स की
और अब ये चल रहा है भाई आई के दूसरे गियर में। पहले गियर में तो चले ट्राली निकाल देता है, आई के पहले गियर में तो ठीक है, आई के दूसरे गियर में भी ट्राली निकाल देता है। और वो भाई ये लगा लो, कहीं भाई बोल रहे इस पर ट्राली नहीं निकली, क्योंकि भाई इसका जो डिफेंशन लोक है, सेंटर लोक हम इस बोलते हैं, मतलब जिसके दबाने से दोनों पहिए जोर लगाते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता भाई, अगर वो पहिया किसी ऐसी जमीन के ऊपर आ जाता है जहाँ ग्रिप कम है, जैसे भाई अपना किसी गिल्ली मिट्टी के ऊपर, या ट्रैक्टर टेढ़ा हो जाता है उस टायर पर वजन ज़्यादा आ जाता है, इस टायर पर वजन कम आ जाता है, तो इस स्थिति में भाई अपना एक टायर जोर लगाएगा, जिस टायर के ऊपर जोर वजन ज़्यादा है, जिस टायर के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है वो टायर वहीं पर रुक जाएगा, और जो टायर चिकनी मिट्टी पर या किसी मतलब ऐसे सरफेस पर टिका हुआ है, जो सरफेस चिकना है, तो वो टायर स्लिप करता रहेगा। ठीक है, तो ये डिफेंशन सिस्टम होता है। बाकी और अच्छे तरीके से भाई मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे लॉजिकली। बाकी आपको देसी हिसाब में मैंने समझा दिया। तो इसका क्या वर्क होता है? इसका यही वर्क होता है, जब हमें ट्रैक्टर की पूरी पावर लेनी हो तो इसको दबा दो और इससे ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा चलेगा और दोनों पहिए बराबर जोर लगाएंगे। और एक और बात मैं बता देता हूँ, इसके दबाने के बाद ना तो कटाई करनी होती है हमें अगले टायरों की, और ना ही ब्रेक दबाने होते हैं। अगर हम ब्रेक दबाएंगे कटाई करेंगे, तो कटाई करने से अगर हम हैंडल स्टेयरिंग एक तरफ मोड़ देंगे तो इससे हमारा फ्रंट एक्सल टूट सकता है, और अगर ब्रेक दबाएंगे तो इसकी वजह से हमारे जो पीछे जो स्टार होते हैं जहाँ पे डिफेंस सिस्टम वर्क करता है वो ख़राब हो सकता है इसकी वजह से। तो इसको बड़ी केयरफुली से दबाना, और कई ट्रैक्टरों में ये दबाने के बाद अपने आप नीचे फंसा रह जाता है और फिर उससे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसको भाई जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो वही इसका इस्तेमाल करे, और जिसको इसके बारे में नॉलेज ना हो तो वो इस्तेमाल इसको यूट्यूब पे और वीडियो में डेडिकेट वीडियो बना दूंगा उसको देख के। बाकी इससे यार इतना फ़र्क लग जाता है हद से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका ये वर्क नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, डिफेंस सिस्टम इसका ख़राब हो चुका है। जो मतलब सुमित वाला ट्रैक्टर है इसका डिफेंस सिस्टम ख़राब हो चुका है भाई। कहते हैं भाई जॉन डियर की गरारी ऐसे ख़राब नहीं होती, तो भाई अगर चलाने वाले नेक्स्ट लेवल हो ना, हाई लेवल के बंदे, हाई ड्राइवर, तो हर एक चीज़ ने ख़राब कर दें। बाकी इसका यू ख़राब हो रहा, तो इसलिए इसने ट्राली नहीं निकाल पाई। बाकी यो ट्राली निकाल देता, और भाई कुछ कमी मेरी भी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा चलते इसकी भाई लिफ्ट उठा दी थी, मैंने सोचा भाई चल पड़ेगा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा भी इसका तो डिफेंस सिस्टम ख़राब है। चलो कोई बात नहीं, और डिफेंस सिस्टम ख़राब होने के बावजूद भी निकाल रहा था, पीछे से ना एक ट्रैक्टर ने बम्फर लगा दिया, तो ये पूरी प्रॉपर तरीके से बैक नहीं मार पाया। कोई बात नहीं, फ्यूचर में आगे कोई नई ट्रॉली अगर फंसी होगी ना, फिर इससे निकाल के दिखाएंगे आपको। और भाई इसमें रेडियल टायर भी नहीं है, इसमें नॉर्मल टायर, अर्जुन जिस अर्जुन ने ट्रॉली निकाली थी उसमें रेडियल टायर है, वो इससे हॉर्स पावर में बड़ा है, उसमें टर्बो भी लगी हुई है, उसमें पानी भी ज़्यादा है, उसमें कैबिन का वजन भी है, तो उसके मुकाबले ये तो आधा है, फिर भी इसने बढ़िया जोर लगाया। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। कल जो सी वीडियो होगी लास्ट में क्लिप ऐड कर दूंगा, तो मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए बाय बाय।